Assalamu alaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today? जी बहुत ही easy but stylish hair judas लेकर आई हूँ. Daily routine में भी use कर सकती हैं आप. इसको थोड़ा सा messy सा भी बन जाएगा तो भी खूबसूरत लगेगा. दोनों ही बहुत ही आसान है लेकिन दोनों बहुत ही stylish हैं. तो चले जी आज की वीडियो शुरू करते हैं. So yeah, let's go. सबसे पहले ये आसान सा जूड़ा बना लेते हैं. इसको बनाने के लिए आपने करना ये है कि आपने फ्रंट सेक्शन को बहुत ही सिंपल तरीके से जिस तरह बनाते हैं आपने बना लेना है. फिर आपने बालों को पीछे एक रबर बैंड से पोनी कर लेनी है थोड़ी सी नीचे करके. अब यहाँ पर मैं पिन्ने लगा रही हूँ लेकिन आप चाहें तो इसको हेयर कैचर से भी सिक्योर कर सकते हैं, उससे वैसे ज़्यादा बेहतर रहेगा. चलिए जी, अब ऊपर जितने बाल आपके बच गए हैं उनको आपने दो हिस्सों में डिवाइड करना है और उसके बाद उनको आपने क्रिस क्रॉस कर देना है. यानी कि लेफ्ट वाला हिस्सा राइट साइड पर और राइट वाला हिस्सा आपने लेफ्ट साइड पर कर देना है. इन दोनों हिस्सों को आपने नीचे से रबर बैंड से टाई कर लेना है ताकि वो थोड़े से सिक्योर हो जाएं और जल्दी बालों में से निकले नहीं. अब इसके बाद आपने बहुत ही आसान है, आपने क्रिस क्रॉस करके तो उसको जो आपने पहले जुड़ा किया था उसके साथ नीचे अंदर की तरफ टक इन कर देना है. लो जी, स्टनिंग सा जुड़ा बहुत ही खूबसूरत तरीके से येट बहुत ही ईजीली आपने बना लिया. आप इसको डेली वेयर में भी बना सकते हैं, आप इसको बना के ऑफिस भी जा सकते हैं, आप इसको बना के किसी वेडिंग फंक्शन को भी इंजॉय कर सकते हैं. सो आई होप आपको ये हेयर स्टाइल बहुत पसंद आया होगा. चलिए जी चलते हैं आप दूसरे हेयर स्टाइल की तरफ. चलिए जी, इसको बनाने के लिए हमने हाफ हेड की पोनी कर लेनी है. यानी कि हाफ हेड के बालों को लेना है और आपने उसको रबर बैंड से टाई कर लेना है. उसके बाद आपने उसको अंदर की तरफ फ्लिप कर देना है और आपके नीचे के जितने बाल रह जाते हैं उन बालों को भी आपने दोबारा से पोनी कर लेनी है. यानी कि रबर बैंड से आपने उसको टाई कर लेना है. अब जैसे वो रबर बैंड से टाई हो जाए तो आपने नीचे के बालों को तीन हिस्सों में डिवाइड करना है और तीनों की थ्री स्ट्रेन ब्रेड जो है यानी कि नॉर्मल आम चुटिया जो है वो आपने बना लेनी है. अब आपने यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपके बाल ज़्यादा पतले हैं तो आप उसकी तीन से चार भी कर सकते हैं और अगर आपके बाल थोड़े से हेल्दी हैं तो फिर आप ज़्यादा या कम जो है वो कर सकते हैं. इसके बाद आपने इनके बालों तीनों पोनीज़ को एक रबर बैंड से ही नीचे से टाई कर लेना है ताकि वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा चिपक जाएं और जुड़े में फ्लिप करने के बाद वो अलग अलग ना नजर आएं. जब आपके नीचे से रबर बैंड से टाई हो जाएंगे तो आपने उसको ऊपर की तरफ फ्लिप करना है और जो हमने दरमियान में बाल टाई किए थे उसके अंदर आपने बाकी के बालों में छुपा देना है और फिर आप जुड़े की पिनों से इन तीनों स्ट्रैंड को है आप सेव कर सकती हैं. तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इन जोड़ों को ट्राई भी ज़रूर करेंगे और बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हम नहीं बना सकते. सो आई होप यू लाइक माई वीडियो. इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द लव वंस अराउंड यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. अल्लाह हाफिज़.